नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज रोजाना ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराता रहता है। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। दिनांक 23/5/22 को दोपहर में ग्राम मई खड़गपुर थाना गंभीरपुर में दो प्लॉटों के बीच में रास्ते को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें उमा कांत चौहान घायल हुए। इनके हाथ में चोट आई है और इनको एक्सरे के लिए रेफर किया गया है। आक्रामक पक्ष राम प्रवेश चौहान, सर्वेश चौहान, छोटू और पप्पू के विरुद्ध 323, 504, 506 का मुकदमा कायम किया गया है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सक्रिय गैंग लीडर अपराधी झिनकू यादव उर्फ झिनक उर्फ रमाकांत यादव पुत्र ललता यादव उर्फ बब्बर यादव निवासी धर्मानपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए मिश्रित शराब तैयार कर बेचने जैसा अपराध करता है, जिससे जनमानस में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त है। इस गैंग के क्रियाकलापों पर सूक्ष्म पैनी दृष्टि रखने के उद्देश्य से इस गैंग को जनपद स्तरीय शराब तस्कर गैंग के रूप में पंजीकृत किया गया है, जिसके सदस्य राम दुलारी राजभर पुत्र निर्मल राजभर निवासी सल्लोपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ है। इसकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु इस गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है। इस गैंग को झिनक गैंग के नाम से जाना जाएगा। इसका कोड नंबर D19 है। मामले में जिसे विधानसभा में नाम आने पर SP ने संज्ञान लिया है और क्या कुछ कहा है अनुराग RSP आजमगढ़ ने, सुनिए। अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई में जनपद पुलिस के द्वारा एक गैंग पंजीकृत किया गया है। ये गैंग D90 के नाम से पंजीकृत किया गया है, झिनकू गैंग के नाम से इसको जाना जाएगा। इसमें मुख्य गैंग लीडर झिनकू यादव उर्फ झिनक, जो थाना जहानागंज का रहने वाला है, और दूसरा इसका सहयोगी सदस्य राम दुलारी राजभर, इन दो लोगों का ये गैंग सूचीबद्ध किया गया है। इसकी लगातार निगरानी थाना जहानागंज की पुलिस और SOG टीम के द्वारा की जाएगी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 90 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1683 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 532 वाहनों का चालान किया गया और 7 वाहन सीज किए, जिसमें थाना बिलरियागंज से 3, थाना महाराजगंज से 2, थाना सिजारी से 1 व आन रानी की सराय से 1 वाहन को सीज किया गया है। आजमगढ़ से खबर है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राशन कार्ड सरेंडर और उसके बाजार मूल्य वापसूली पर सरकार द्वारा लिए गए यूटर्न के संदर्भ में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया और मांग भी की बिना सरकार के आदेश के राशन कार्ड सिलेंडर और निशुल्क राशन के मूल्य की बाजार भाव से वसूली की मीडिया में प्रचारित करने के मामले की जांच उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए। यदि सरकार ने इस तरह का आदेश नहीं दिया था तो इस आदेश को प्रसारित करने वाले दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा, सरकार चुनाव के समय फ्री के राशन के नाम पर वोट लेती है और बाद में रिकवरी की बात करती है, और जब सरकार की किरकिरी होती है तो सरकार कहती है ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था, यह गरीब राशन कार्ड धारकों का अपमान है। सुनिए, जो राशन कार्ड गरीबों को बांटा गया है उसकी रिकवरी की बात हो रही है, उनसे वसूली की बात हो रही है, उनका कार्ड सरेंडर करने की जो बात हो रही है, पहले तो चुनाव आता है तो ये सरकार जो है सभी का राशन कार्ड बना देती है, उसके बाद में जब चुनाव बीत जाता है तो वह राशन कार्ड निरस्त करने की बात करती है, सरेंडर की बात करने पड़ती है। और जो वर्तमान में जैसे गेहूं का मूल्य 24 रुपया किलो और चावल का 32 रुपया किलो और बाकी जो चना तेल है वह वर्तमान मार्केट रेट पर रिकवर करने की बात कर रही है सरकार, ये तानाशाही सरकार है और ये जब से सरकार आई है यह गरीबों के ऊपर जुल्म जास्ती भी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महंगाई के हिसाब तमाम और तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं या देख रहे हैं, और वही गरीबों को सताने के लिए, गरीब व्यक्ति को परेशान करने के लिए पहले तो फ्री में राशन दिया, आज उसको रिकवर करने की बात कर रही है। यह लोग या पूरे प्रदेश में इस तरह का प्रत्येक जिलों में यह माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है और उनको चेताया जा रहा है कि अगर सरकार सही समय पर नहीं जागी तो हम लोग इससे बड़े आंदोलन के लिए बाकी होंगे।
मिर्जापुर में पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुशल प्रक्षण क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में जनपद में अपराध की रोकथाम में अपराधियों के बीच चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सर्व स्वाट एसओजी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा करीब 16 वर्षों से हत्या के अभियोग में फरार चल रहे 50,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आज से 16 साल पहले की बात है, जिसमें ये व्यक्ति जो ओम प्रकाश विश्वकर्मा उर्फ पप्पू खजूरी कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर का रहने वाला था, ये अपने आप को छुपा लिया था, अपस्कंड कर गया था यहाँ से, और इसकी सूचना पुलिस को, हमारे स्वाट टीम को और हमारे जो सजी टीम है तथा हमारे कोतवाली शहर पुलिस को मिलती है। पूरी टीम इसमें समन्वय स्थापित करके अपने पूरे सिस्टम को, जो हमारा पुलिस का सिस्टम होता है, उस पर एक्टिवेट होकर के और टिफ ऑफ के आधार पर इसमें सक्रिय होती है। इस पर 2009 में 5,000 का इनाम डीआई सर द्वारा किया गया था, तत्कालीन डीआई सर द्वारा। वर्तमान में इस पर जो है 50,000 का इनाम था। पुलिस टीम सक्रिय होती है, टिप ऑफ मिलती है और सूरत शहर गुजरात में इसके रहने की सूचना मिलती है कि नाम। पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुशल परीक्षण क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में जनपद में अपराध की रोकथाम में अपराधियों के बीच चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पटरी पुलिस द्वारा अर्धजनपदीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 13 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। देखिए, ये जनपद मिर्जापुर थाना पटरी की एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। निश्चित तौर से 13 गाड़ियां बरामद हुई हैं और 7 मुलजिम पकड़े गए हैं, सभी अक्सौली और चौहान पट्टी थाना पटरी के रहने वाले हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की और भी मोटरसाइकिलें अभी हमें बरामद करने की संभावना है। अभी तो 13 हमने बरामद की है, जिसमें आप देखेंगे स्प्लेंडर प्लस भी है, स्प्लेंडर प्रो भी है, अपाचे भी है और पैशन प्रो भी है। कुल मिलाकर 13 गाड़ियां बरामद हुई हैं और हमारी पुलिस टीम को 20,000 रुपये का इनाम भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया जा रहा है। इसके क्रम में मैं इतना जरूर अवगत करा दूँ कि यह जनपद कौशाम्बी, प्रयागराज और वाराणसी तथा मिर्जापुर जैसे जनपद में हमारा। पुलिस अधीक्षक रामपुर अशोक कुमार द्वारा जनपद में अपराध में अपराधियों के बीच चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर डॉक्टर संसार सिंह के निकट परीक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी सुवार रामपुर के नेतृत्व में रात्रि में एसओजी एवं थाना टांडा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर मिलक नगली को जाने वाले रोड पर आम के बाग थाना टांडा से 8 चोरी की मोटरसाइकिलों साथ 8 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। थाना टांडा क्षेत्र में 8 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, क्या पूरा मामला? आज एसओजी प्रभारी सरित मलिक और टांडा प्रभारी अजयपाल सिंह ने अपनी टीम के साथ एक कार्रवाई की, जिसमें 8 चोर पकड़े गए। इनके पास से 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जो इनका गैंग लीडर है वो अफजाल छोटे निवासी ढोलपुर थाना पटवी का रहने वाला है और पहले भी ये कई मरतबा जेल जा चुका है। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये आसपास के जनपदों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे, पास से राज्य प्रखंड से भी मोटरसाइकिल थी और नंबर बदल कर और किसी नंबर भी बदल देते थे। आजमगढ़ की अतरौलिया पुलिस ने अवैध देसी तमंचा व कारतूस और एक बोलेरो के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मदन कुमार गुप्ता अपने पुलिस बल के साथ एसओजी टीम द्वारा ऑपरेशन पताल के तहत वंचित अभियुक्तों को तलाशी में सिकंदरपुर तिराहा पर आपस में बात विमर्श कर रहे थे कि खास सूचना पर कर्नला 84 से अभियुक्त विश्व मौर्य पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम मौर्य निवासी इटायल भवानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है, तो वही 25 मई को उप निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में थे, तभी माननीय न्यायालय से प्राप्त वारंट के क्रम में महफूर से प्रस्थान कर वारंटी की तलाश में ग्राम नसीरपुर आयमा हरजन बस्ती पहुंचे, तो अभियुक्त वारंटी रामू हरजन पुत्र मुनिलाल निवासी नसीरपुर आयमा हरजन बस्ती थाना निजामाबाद आजमगढ़ को अपने घर के बाहर सो रहा था, जहां से उसको गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ के बूढ़नपुर GSSPG कॉलेज कोयलसा जाने वाली सड़क के पास NH 233 पर आज ट्रैक्टर ट्रेलर में भीषण हादसा हुआ, जिसमें आजमगढ़ की तरफ से आ रहे ट्रेलर की चपेट में ट्रैक्टर चालक सहित 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बता दें कि ट्रैक्टर चालक एकाएक अचानक NH 233 पर आ गया, तभी अचानक आजमगढ़ की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर और ट्रैक्टर से टक्कर, ट्रैक्टर पर बैठे लोग हवा में उड़ गए। ट्रेलर ट्रैक्टर को रोते हुए थोड़ी दूर पर रुक गया और ट्रैक्टर दो खंड में विभक्त हो गया।
ट्रैक्टर पर 6 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर में भर्ती कराया गया है। लोगों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। घायलों में कप्तानगंज थाना के रत्नावे गांव निवासी सियाराम यादव, पुत्र कैलाश यादव सहित तमाम लोग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में पार्टीजनों का समूह स्थानीय मेहता पार्क में उपस्थित होकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी के निर्देश पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट स्थानीय अम्बेडकर पार्क जाकर ज्ञापन लिया, जबकि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर COCT ने भाजपा नेताओं से मिलकर उनका ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि उच्च अधिकारी आपकी मांगों पर समुचित कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन के पश्चात भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने बताया कि भाजपा जनों ने जिले में नाली, पोखरी और बांध की जमीन पर कब्जा करके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो बने हैं उनसे खाली कराने तथा नगर के बंधों से अतिक्रमण हटाकर सभी नाले व सीवरों का अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि अभी गत वर्ष की भीषण बारिश में प्रशासन की इन्हीं गलतियों के कारण नगर की आधी आबादी बारिश के पानी में डूब गई। प्रशासन इसके बाद भी कुंभकर्णी नींद में सोता रहा और लेखपाल व तहसील कर्मियों की मिलीभगत से भूमाफिया सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। सगड़ी तहसील पर रितेश पुत्र रामजी निवासी चौक को खुर्दनी तहसीलदार सगड़ी अभिषेक कुमार सिंह को पत्र सौंपकर ग्राम मुद्का के प्रधान व उनके कुछ साथियों पर अपनी जमीन पर जबरदस्ती मिट्टी गिराने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार चौको खुर्द गांव निवासी रितेश पुत्र रामजी ने गांव में ही खेत की जमीन पर गाटा संख्या 386 पर जो काबिज है, उनका आरोप है कि गाटा संख्या 386 के दक्षिण चक मार्ग है। मौके पर रकबा 450 कड़ी हमारा खेत है, खेत कम है जो ग्राम उदका और ग्राम चौकों को सरहद पर स्थित है, जिस पर ग्राम उदका के प्रधान अपने साथियों के साथ मिलकर चकमार का बिना सीमांकन कराए ही आटा संख्या 386 पर ही मिट्टी पाटने लगे हैं। वही पीड़ित ने तहसीलदार सगड़ी अभिषेक सिंह को पत्र सौंपकर ने सीमांकन कराकर ही कार्य कराने की मांग की है। वही रितेश उर्फ सोनू राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे खेत के अगल बगल किसान लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और जबरदस्ती मेरे खेत में मिट्टी पाटने का कार्य किया जा रहा है। मेरी जमीन को हड़पने की नीयत से कार्य हो रहा है, जिसकी लड़ाई मेरे पिताजी अपने जीवित समय में लड़ रहे थे और इसी जमीन के सदमे में उनकी मौत हो गई। मौके पर रकबा 450 कड़ी हमारा खेत कम है, आज इसी जमीन के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा काम काज नुकसान हो रहा है, मैं शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और पैमाइश कराकर सही तरीके से कार्य हो। सगड़ी में बिना सीमांकन कराए ही मिट्टी पाटने का लगा आरोप, पीड़ित ने तहसीलदार सगड़ी से लगाई न्याय की गुहार। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील पर रितेश पुत्र रामजी निवासी चौको खुर्द ने तहसीलदार सगड़ी अभिषेक कुमार सिंह को पत्र सौंप कर ग्राम उदका के प्रधान व उनके कुछ साथियों पर अपनी जमीन पर जबरदस्ती मिट्टी गिराने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार चौको खुर्द गांव निवासी रितेश पुत्र रामजी ने गांव में ही गाटा संख्या 386 पर काबिज है। उनका आरोप है कि गाटा संख्या 386 के दक्षिण चकमार्ग है जो ग्राम चौको के सरहद पर स्थित है, जिस पर ग्राम उत्तर के प्रधान अपने साथियों के साथ मिलकर चकमार्ग का बिना सीमांकन कराए ही गाटा संख्या 386 पर ही मिट्टी पाटने लगे हैं। वहीं पीड़ित ने तहसीलदार सगड़ी अभिषेक कुमार को पत्र सौंप कर सीमांकन कराकर ही कार्य कराने की मांग की है। मेरा नाम रितेश कुमार राय, स्वर्गीय रामजी राय, चौको खुर्द, पोस्ट दिगवनिया मझुआ, सगड़ी तहसील, थाना जियनपुर, चौकी लाठगांव, ये मूल निवासी हैं। मेरा चक जो है ग्राम उदका में है और हम रहने वाले हैं चौको खुर्द के। ये सर मेरा चक मार्ग जो है 450 कड़ी का है और ये दोनों चौको और उदका के बीच का सीमांकन है और मेरा चक कम है। मैं बार बार तहसील पे जा रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। वो जो नेपाल साहब हैं जाने कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, आप जाइए अपने चौको खुर्द के नेपाल से बात करिए और मुझे बिना बताए मुझे बिना जानकारी के मॉर्निंग में चक जो है फेंका जा रहा था और हम जब नेपाल पास आपके पास गए तो कहे मुझे नहीं पता है इसके बारे में कहाँ क्या हो रहा है। हमने कहा लीजिए फोन से बात करिए प्रधान जी से, तो उन्होंने बड़ा दबाव फिर की सोच इसको रुकवाए, फर्जी तरीके से यहाँ पे जो है कब्जा किया जा रहा है। मेरा चक जो है पूरा किया जाए, पूरा करने बाद जहाँ जो चीज होता है उसके लिए मैं तैयार हूँ। जौनपुर में थाना खुटहन और खेतासराय व सरपता एवं स्वाट टीम जौनपुर की संयुक्त टीम द्वारा अवैध 10 लाख फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। अवैध रूप से कट्टा बनाकर तस्करी करने वाले 4 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 20 अवैध देसी तमंचा व 3 अवैध देसी रिवाल्वर व तमंचा बनाने के उपकरण तथा लूट के 32,000 रुपये बरामद किया गया है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल लोक के क्रम में अजय कुमार सहानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम में अपराधियों की गिरफ्तारी चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज पुलिस को सफलता हाथ लगी है। अपराधी घटनाओं में अवैध शस्त्रों का प्रयोग होता है, इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन पाताल शासन के निर्देश को चल रहा है। इसी क्रम में SSP जौनपुर महोदय द्वारा थाना कुठन को सब लांस टीम और स्वाट टीम को
तीनों को एक टास्क दिया गया, जिसके तहत आज थाना चिकन क्षेत्र में सवई नाला के पास एक निर्माणाधीन मकान में यह अवैध सच फैक्ट्री बनाने का फैक्ट्री चलाया गया है, जिसमें से चार बदमाश जो कि काफ़ी साथी किस्म के हैं, थाना को घर नाम से प्रभाग रहने वाले हैं, उनके पास से 20 अवैध तमंचे, 3 देसी रिवॉल्वर और उपकरण भारी मात्रा वाला बनता है। ये काफ़ी साथी किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ अन्य भी कार्रवाई की जा रही है। ये बहुत बड़ी रिकवरी है ऑपरेशन पताल के द्वारा। कब से बनती थी और कहाँ कहाँ इनकी सफाई होती है? देखिए अभी पूछताछ भी शुरू हुई है, कल ही पकड़ा गया है, अभी इसे पूछताछ चल रही है। ये काफ़ी चूँकि मैंने बताया कि निर्माणाधीन मकान था जिसमें फैक्ट्री चल रहा था, तो जो मकान जिसके मकान मालिक उनसे भी पूछताछ चल रही है, जैसे ये चीज़ें और डेवलप होंगी आपको पता। किस लेवल पे ये फैक्ट्री चलाते थे, मतलब सप्लाई किस लेवल पे थी, इक्का दुक्का थी या पूरा ये पूरा? देखिए ये सप्लाई चूँकि जहाँ खाना पिठन है वो जनपद सुल्तानपुर से सटा हुआ है, अम्बेडकर नगर भी पास में है और आजमगढ़ भी, यहाँ भी ये लोग सप्लाई करते थे और इससे पूछताछ और की जा रही है, तो 20 असले बरामद हुए हैं, अभी संभावना और है कि इनसे और बरामद। देखिए फिलहाल मैंने कहा योजना जारी है, फिलहाल चार लोग ही हैं, अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, जैसा भी होगा आपको कुछ खुलासा हुआ कितने? अभी पूछताछ जारी है, अभी तो देखिए मैंने कहा कि इनका फर्स्ट खेत था जो 20 बना रखे थे कुछ और अधिनिर्मित भी है, उनको भी बनाने की तैयारी कर रहे थे, इसी बीच में इनको पकड़ा गया है, इनसे पूछताछ जारी है, जैसा भी होगा आपको बताया। जौनपुर में साइबर सेल व थाना सिग्रा मऊ की संयुक्त टीम द्वारा सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी का वीडियो और फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अजय सहनी पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में डॉक्टर संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में साइबर सेल व थाना सिग्रा मऊ की संयुक्त टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक पर धर्म विशेष के प्रति आपत्तिजनक वीडियो और फोटोग्राफ डालने में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, SSP जौनपुर महोदय द्वारा तत्काल FIR के आदेश किए गए। इसी आदेश के क्रम में साइबर टीम और थाना सिग्रा मऊ और स्वाट और सर्विलांस की टीम द्वारा उस युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की गई तो उसको बताया गया, उसके द्वारा बताया गया कि वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए एक धर्म विशेष के ऊपर आपत्तिजनक वीडियो और फोटोग्राफ डालता था, जिस संबंध में गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और मऊ से खबर है, जहां मुख्तार अंसारी गिरोह के एक सहयोगी बैजनाथ यादव की 3,15,00,000 रुपए की अचल संपत्ति जब्त की गई है। संगठित अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज क्षेत्राधिकारी नगर में पुलिस बल एवं राजस्व टीम के साथ मुख्तार अंसारी गैंग के मुख्य सहयोगी बैजनाथ यादव पुत्र खुदी निवासी शर्मा थाना लखनऊ से मऊ द्वारा अपराध से अवैध धन से अर्जित ग्राम सरवा स्थित गाटा संख्या 797 रकबा 56 कड़ी, गाटा संख्या 111/9 रकबा 53 कड़ी तथा गाटा संख्या 1449 रकबा 269 कड़ी, कुल तीनों गाटों का योग रकबा 378 कड़ी अर्थात लगभग 0.153 हेक्टेयर तथा बाजारी मूल्य 3,15,00,000 रुपए है, की कुर की कार्रवाई की गई। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए और प्राइवेट अस्पतालों को बंद कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद 3 सूत्रीय ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पासा ने कहा, जनपद में कुकुरमुत्ते की तरह खुल रहे अस्पताल खुले आम मरीजों की जिंदगी से खेल, इन अस्पतालों के दलाल जिला अस्पताल के आसपास घूमते हुए मिल जाएंगे। संज्ञान में आया कि जिला महिला अस्पताल के कुछ कर्मी भी इन दलालों से मिली भगत किए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले बिलासपुर गेट पर एक अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हो चुकी है, यह कोई नया मामला नहीं है। इस तरह के ज्यादातर प्राइवेट नर्सिंग होमों में कोई न कोई गर्भवती अनट्रेंड शिकार हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि ज्यादातर नर्सिंग होम गायनोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार यादव की छत्र छाया में चल रहे हैं। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, भारतीय किसान यूनियन लाका का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने प्रदर्शन करने के बाद 3 सूत्रीय ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर को सौंपा है, जिसमें कई सारी समस्याएं और इस समय जो जनपद में पूरे जनपद में एक बुरे हालात प्राइवेट अस्पताल वालों ने शुरू कर दिया है और इसमें आए दिन हर अस्पताल में कोई ना कोई हादसा हो रहा है, तो इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्टर मतलब गायनोलॉजिस्ट सर्जन है डॉक्टर राजेश कुमार यादव,
उनका नाम हर अस्पताल के गेट पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है ये ऑपरेशन करते हैं, और कोई भी हादसा अगर होता है तो डॉक्टर राजेश जो है उससे बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं कि मेरे द्वारा कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। तो बात ये आती है कि अगर जब उनके द्वारा ऑपरेशन नहीं किया जाता तो इस तरह के फर्जी अस्पताल जनपद में किस तरह से चलते हैं, जबकि आए दिन देखने को आ रहा है कि अभी एक हॉस्पिटल बिलासपुर गेट पे पेट्रोल पंप के नीचे वहाँ पर एक हादसा हुआ, एक कुत्ता की मौत हुई। अभी कई सारे और हॉस्पिटलों में लगातार मौतें मतलब कैसे हो रही है, कई हॉस्पिटल बंद हो तो करते क्या ये हॉस्पिटल वाले, जैसे इनका हॉस्पिटल में कोई हादसा होता है और वहाँ पर जब सीज कर दिया जाता है तो कुछ दिनों के बाद में उसी बिल्डिंग में उसी स्टाफ के द्वारा उन्हीं लोगों के द्वारा दूसरा हॉस्पिटल खोल दिया जाता है सिर्फ नाम चेंज करके। तो हमें इससे पूरा ज्ञात इस बात का मतलब कहते होता संदेह है इस बात का कि ये जो है स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से हो रहा है, क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो क्योंकि 6 महीने के बाद में बिल्डिंग रिलीज हो जाती है और बिल्डिंग जो सीज हो सील खोल दी जाती है तो वो डॉक्टर लोग जो हैं जो भी मतलब कहते हैं जो इस तरह का धंधा कर रहे हैं वो उस बिल्डिंग में दूसरे किसी नाम से हॉस्पिटल खोल लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो इनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनसे बात हुई, उन्होंने इस बात पे मतलब कहते हैं बहुत गहनता से बातचीत सोचा और समझा बताया, बोले हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने तुरंत एक हॉस्पिटल के बारे में जो एक हादसा हुआ था अभी तो उन्होंने जो ACMO हैं डॉक्टर साहब उनको फ़ोन पर आदेश दिया है कि अभी जाकर इसकी जांच करिए और जो भी कार्रवाई अगर करने के लायक है तो कार्रवाई कीजिए। और हमने उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी जल्दी आपको स्थिति सुधरी हुई मिलेगी, जो भी अमानक के रूप से हॉस्पिटल चल रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। और अस्पताल में उन्होंने एक बात आश्वासन ये भी दिया कि अस्पताल में सारी सुविधाएँ मुहैया होंगी ताकि आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत बहुत